भाई मतलब मेरे को तो लिटरली ये बंदे के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या भसड़ मचा रहा है ये बंदा, मेरे को पता ही नहीं। मैंने मजाक में उस दिन बोल दिया था कि भाई ऐसा ना हो कि भाई कहीं ओ माय गॉड को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में डाल के ये लोग सुरैया रिपोर्टर को थिएटर में ना रिलीज कर दे। ए भाई ओरिजिनल जो फिल्म थी वो भी थिएटर में नहीं रिलीज हुई थी, वो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में एक फिल्म का रिलीज होने का मतलब पता है कि उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा बंडल्स में लोग देखते हैं, ज़्यादा मतलब वो फिल्म डाउनलोड करके कहीं। और सुरैया पोट्रू भाई हिंदी वर्जन में आ गई है, सब जगह अवेलेबल है, अमेजोन प्राइम में अवेलेबल है। तो भाई एज इट इज उसका पोस्टर भी, पोस्टर का कलर ग्रेडिंग तक चेंज नहीं किया, वो पीला डस्टी शेड था, वो पीला डस्टी शेड ही है। और ये चेन चोर दुनिया में सारी पॉजिटिविटी चीजों की नेगेटिविटी करता है वहां पे बैठ के। डर के भाग गया, डर के भाग गया। इसको सब मालूम होता है कौन किससे डर के भाग गया, कौन किसका मौसी का नंबर लेके फोन में सेव किया, इसको सब मालूम है। भगवान इसको, लेकिन जैसे ही इसको यहां पर अक्षय कुमार लिटरली भाई एज अ फैन, मैं सच में मैं मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भाई ये वही बंदा है भाई जिसके पिक्चर्स देखकर हम बड़े हुए भाई पागल हो जाते थे। सिर्फ एक फिल्म लेकर आता था ये बंदा, तो उस बंद मैंने पहले भी बोला है जिस बंदे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसी के ऊपर अपन लोग गुस्सा भी होने का हक है एज अ व्यूअर। खाली गधे की तरह बैठकर टट्टी बना है, नहीं टट्टी नहीं है ये, मफिन्स है, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ लैटरिन बनाता तो उसको तो लैटरिन बनाने दो। अब अर्जुन कपूर को हम लोग तो नहीं बोल सकते ना क्या अर्जुन कपूर क्या घटिया मूवी बनाया, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम इंटरस्टेलर बनोगे, ये तो नहीं बोल सकते है ना। तो सीन यही है कि भाई ये हग रहा है यहाँ पे और इसको दुनिया की सारी पॉजिटिविटी चीजें, पठान में पठान की मौसी ने कितना कलेक्शन किया, पठान के फूफा ने कितना कलेक्शंस किया, पठान के फूफा ने कुछ कांड किया थिएटर के अंदर जाकर, ये सब कुछ इसको नॉलेज रहता, सारी नेगेटिव पॉजिटिव चीज में नेगेटिविटी पता रहता है। एक फिल्म ने 550 करोड़ कर दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें भी इसको बोहबली 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 ये आया भी था तो सिस्टर बोली बोहबली आया है। तो ये सिर्फ वही करता है, लेकिन यहाँ पे इसको इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ मतलब इतना खराब चीज़ हो रहा है इसको यहाँ पे, आई थिंक इट्स अ सुपर हिट कमबैक। अरे पापा भाई मैंने तभी बोला था ओ माय गॉड भाई, वो कैसी भी कंटेंट टाइप फिल्म अगर ऐसा देखा जाए तो चंडीगढ़ आयुष्मान खुराने को तो कोई भी फिल्म थिएटर पर उतरने नहीं चाहिए, वो जो भी सेंसिबल कंटेंट हो भाई वो फिल्म को थिएटर में आनी चाहिए। तो बिकॉज वो कॉमेडी पंचस रहेंगे उस फिल्म के अंदर, उस फिल्म का कंसेप्ट अलग है, उस फिल्म के एक्ट्रेस एक एक नंबर है, पंकज त्रिपाठी अक्षय कुमार भाई अलग लेवल पे दिखेगा भाई, वो बॉन्डिंग वो थिएटर पे दिखेगी और थिएटर में पब्लिक जाकर फिल्म को देखेगी। ये क्या है जिसको 500 बार पब्लिक ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मैं खुद 2 बार देख चुका हूँ, और उस साला पोस्टर तक छापा है उसका जो कलर ग्रेडिंग है वो तक चेंज नहीं किया, सेम डस्टी सेम वाला लुक, सेम सेम एज इट इज एज इट इज। भाई थोड़ा सा तो आइडिया से लगाओ। खांसी आना चालू हो गया मेरे को, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ दिस गाय, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है बंदे के साथ। और ये सब इतना मतलब हगने वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, उसके बीच में चेन चोर को यहाँ में, मैं तो बोल रहा था गैंडर एक प्रेम करता सिर्फ एक बैकअप है उसका, उसका मेन टारगेट ये थे, उसको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है, यहीं पे है उसको, उसको दिक्कत ये है कि 2 करोड़ पार नहीं कर रहा, 3 करोड़ पार, और ये साला 500 करोड़ कैसा पार कर दी, यही दिक्कत है उसको। वो डर के भाग गया, डर के भाग गया। क्रिसमस में भी जो था ना वो भी चला गया, उसका तो हरामी मानुस उस जगह पे एकदम चुप बैठा है। क्रिसमस से जो क्लैश, 2 फिल्म की क्लैश है, वहां से एक फिल्म हट गई है, वहां पर एकदम सांप सूंघ गया जैसा बैठा है भाई। नो ऑफेंस विद अक्षय कुमार और अक्षय कुमार फिल्म्स, भाई अपन एज अ फैन भाई देखो, अभी हैरी मेट सेजल के टाइम पे भी मैंने ये नहीं कहा हैरी मेट सेजल डिजर्व्स ऑस्कर, ये नहीं कहा था मैंने,
वो तो इतना ट्रोल किया था मैंने उस फिल्म को, अलग लेवल पे ट्रोल किया था। जबकि जीरो जैसी मूवी में शाहरुख खान अपना काम परफेक्टली किया उस बंदे ने, वो फिल्म हग दे दी। क्योंकि हगी वाली फिल्म में क्या होता है कि एक्टर का काम भी खराब होता है, लेकिन शाहरुख खान का ऐसा सीन है कि उसकी फ्लॉप फिल्म में उस बंदे का काम उस फ्लॉप फिल्म में भी जबरदस्त होता है, तब भी उस फिल्म को दुनिया भर का ट्रोलिंग किया था। जीरो जब है, मेरे सारे वीडियोस उठाकर देख लो, उसमें मैंने यही बोला हैरी मेट सेजल और जीरो मत बनाना, हैरी मेट इतना ट्रोल, ये साला भला मान हरामी मानुस वहां से पिक्चर हट गई, वहां से डर के भाग गया, वो जगह पे ये डायलॉग नहीं मारा, डर के भाग गया। वो तो जवान इसको बताएगी कौन किससे डर के भागा, वो तो मालूम चल जाएगा थोड़े दिन में चिच्चा को। मैं तो बोल रहा हूँ अपडेट्स मेरे पास है, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है चिच्चा को पता चलेगा। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अक्षय कुमार, ए भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, रत्सासन को क्या कर दिया, कठपुतली है उसमें, क्या वो शाइनिंग कपड़ा पहन के डांस होता है, रत्सासन द ग्रेटेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, भाई उस फिल्म में गाने भी नहीं थे, 2.5 घंटे वो 2 घंटे वो फिल्म कैसी निकली पता भी नहीं चला, इसमें शाइनिंग कपड़ा पहन के डांस होता है कठपुतली, और वही वही एक्टिंग, वही वही एक्टिंग, वही सेम एक्टिंग। और पुराना अक्षय कुमार किधर गया नहीं पता भाई, किधर गया, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया। होप सो, हाँ कप्तान तो सड़ेला है उस फिल्म का, लेकिन फिर भी होप है कि हेरा फेरी 3 से भाई अपना पुराना अक्षय कुमार अपने को देखने को मिले। भाई परेशान हो गया मैं, कम बैक कर सकता है बंदे में, टैलेंट जबरदस्त टैलेंट है बंदे में, फाड़ू बंदा है एक्टिंग के मामले में। बड़े बड़े जो सो कॉल्ड स्टार्स बन रहे हैं ना, वो उनको भी उनके मुंह पे हग देगा वो बंदा, लेकिन ये इसका तो सिस्टम ही अलग हो गया। ये 50-50 बार मैं बोल रहा हूँ ना, घर के सामने जाकर अगर पानी पूरी बोलकर डेली जाओगे तो चप्पल मार के भगाएगा वो आदमी, जिसके घर के सामने जाकर पानी पूरी बेच रहे हो, डेली जाके खड़े रहोगे तो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, तीसरा दिन बच्ची खाएगी उसकी, चौथे बार, पांचवें बार और छठे बार चप्पल फेंक के मारेगा। तो इसका तो मैटर ही पूरा अलग हो गया, साल में 25 बार आया है तो इसलिए सारी फिल्में फ्लॉप और डिजास्टर होनी चालू हुई। बस थोड़ा सा गैप दो यार, पब्लिक को भी थोड़ा तो मौका दो, है शॉर्ट फिल्म इतनी जल्दी शॉर्ट फिल्म नहीं, मेरी शॉर्ट फिल्म 2 साल में एक बार आती है भाई, क्या 2 साल हो गए जाल को रिलीज होके, 25 तारीख को रिलीज हुई थी, 25 मार्च को आखिरी शॉर्ट फिल्म, क्या है भाई कुछ भी कर रहा है। मेरे को खुद हंसी आ गया, मेरे को अभी बोलते बोलते याद आया कुछ भी कर रहा है। और ये चेंजर उसको तो छोड़ दो, उसको तो मैं सही में जवान के टाइम में मेरे को सारा मुंबई के मेरे को मीटअप में मेरे को बोला गया था कि भाई जवान के टाइम में मुंबई आओ, सब एक साथ जाएंगे, हम लोग को लाइव टेलीकास्ट देखना है। आऊँगा मुंबई आऊँगा।